हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत के आणविक आधार, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, इनको डिस्कस किया था, रेप्लिकेशन को देखा था, प्रतिकृति इनको। इस लेक्चर में हम लोग अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। तो डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। तो डीएनए के पास जो जानकारी है उस जानकारी को ट्रांसफर कर दें आरएनए में, आरएनए बना दें। डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए का बनना यह कहलाता है प्रतिलिपिकरण करने को, इसको हम लोग बोल रहे हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ये अनुलेखन भी जो है, यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ए के अपोजिट टी, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, टी के अपोजिट ए आएगा। ये बात अलग है कि यहाँ थाइमिन नहीं, यूरेसिल है, आरएनए में यूरेसिल होगा, लेकिन होगा यही ए के अपोजिट यू, जी के अपोजिट सी, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी, यू के अपोजिट ए के अपोजिट यू। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी यहाँ पे भी लागू होगा। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ, एडिनोसिन थाइमिन की जगह, थाइमिन नहीं है, यूरेसिल के साथ क्षार युग्मन करेगा। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जु आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता। तो हो क्या रहा, कह रहा है जी थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। हाँ, हालांकि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर, प्रतिकृति प्रक्रम रेप्लिकेशन के विपरीत यहाँ क्या हो रहा है, किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जु आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत, यहाँ पे प्रतिकृति का प्रक्रम के विपरीत, वहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड पे डीएनए बना था और दोनों ने मिलकर एक अणु बना दिया था, यहाँ पे क्या हो रहा, प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत, रेप्लिकेशन के विपरीत, किसी जीव के कुल डीएनए, किसी भी जीव का जो कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है, देखिए कह रहा कि लेकिन यहाँ पर रेप्लिकेशन के विपरीत एक अलग चीज़ हो रही है। अब ये जो ये लाइनें हैं, ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करी है, लेकिन इसमें रायता फैला दिया। अब आप इसका अगर इंग्लिश का एडिशन देखोगे तो आपको बात क्लियर होगी कि यहाँ वो कहना क्या चाहता है। यहाँ पे वो कहना चाहता है प्रतिकृति प्रक्रम में क्या हुआ था, पूरे का पूरा डीएनए द्विगुणित हो गया था, पूरे के पूरे डीएनए की कॉपी बन गई थी, लेकिन अनुलेखन के दौरान केवल एक रज्जुक की और केवल एक रज्जुक के कुछ पार्ट की कॉपी बनती है, डीएनए से आरएनए बनता है। पूरा एक तो रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए सीक्वेंस का रेप्लिका बना ली गई थी, यहाँ पे पूरे डीएनए सीक्वेंस की रेप्लिका, मतलब उस पर आरएनए नहीं बनेगा, केवल एक रज्जुक पे बनेगा, और एक रज्जुक पे भी पूरा रज्जुक नहीं, केवल कुछ पार्ट में बनेगा, ये बात इन लाइनों में बताई गई है। तो थोड़ा सा आप इंग्लिश वाले को देखोगे और इसको ट्रांसलेट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल हो गई लैंग्वेज कि यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता। क्या कह रहा है, तो समझ में आ रहा नहीं, क्योंकि इसने लाइनें उलझा दी हैं। यदि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर, प्रतिकृति प्रक्रम में जितना भी डीएनए है वो अपने को डुप्लीकेट कर रहा, अपना एक रज्जु आरएनए के साथ मिलाकर, तो डीएनए का एक रज्जु आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। क्या कह रहा है ये आपकी इंग्लिश की जो ये लाइनें हैं वहाँ पर लिखा है कि भाई रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का रेप्लिका बनती है, दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए बनेगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए बनेगा, और जितना भी डीएनए वो द्विगुणित हो जाता रेप्लिकेशन के समय, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में पूरे स्ट्रैंड के डीएनए के पूरे रज्जु की
कॉपी नहीं होती या उसको मैसेंजर आरएनए में उसका ट्रांसफ़र नहीं होता, केवल एक स्ट्रैंड का, वो भी उसके कुछ पार्ट का होता। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। तो डीएनए के कुछ पार्ट का केवल एक लड़ी के और उस लड़ी के भी कुछ जगह का केवल अनुलेखन होता। अनुलेखन के दौरान दोनों रजकों को प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनुलेखन में, ट्रांसक्रिप्शन में, दोनों रज्जू की कॉपी क्यों नहीं बन रही? जैसे रेप्लिकेशन में बनती है, यहाँ पे दोनों रज्जू की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं हो रहा? इसका साधारण सा उत्तर है। अब ये जो लाइनें हैं उसमें आपने समझ लिया, आपने बस ये जानना है इन लाइनों में ये बताया गया है कि रेप्लिकेशन के समय, प्रतिकृतियन के समय डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की, इस पर भी रेप्लिकेशन हुआ, इस पर भी रेप्लिकेशन हुआ, दोनों पर रेप्लिकेशन होगा, पूरे का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होगा। जबकि अनुलेखन में केवल एक डीएनए स्ट्रैंड पे अनुलेखन होगा और उस एक के भी पूरे स्ट्रैंड का नहीं, केवल कुछ भाग का। ये बात यहाँ बताई गई है। उसके बाद अब आप देखिए पूछ रहा है जी, अनुलेखन में दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं हो रहा? जब अनुलेखन हो रहा है तो दोनों रज्जुकों पर क्यों नहीं हो रहा? इसका साधारण सा उत्तर है कि दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता। यदि दोनों पे अनुलेखन हो जाए, दोनों रज्जुक पे, ये अलग हो गए रज्जुक और इस पे भी आरएनए बना और इस पे भी आरएनए बना, तो इन आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी अलग होगी। और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को ही हम लोग कोड बोलते हैं। कोड निर्धारित करते हैं कि अमीनो एसिड कौन सा अटैच होगा पॉलीपेप्टाइड चेन के दौरान। पॉलीपेप्टाइड चेन के दौरान पहला अमीनो एसिड कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, छठा कौन, वो इस पर आधारित कोड। कोड किसके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड के। तो जब इस पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अलग है और इधर बने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अलग है, इसका मतलब है ये कोड ला रहे हैं अलग अलग प्रोटीन के लिए, तो ये रायता फैल जाएगा। इसलिए दोनों पे अनुलेखन नहीं होगा, केवल एक पे होगा अनुलेखन। तो सीधा सा उत्तर है, प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब आइडेंटिकल नहीं है, समानता नहीं है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अगर ATCG इधर है, ATCG, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा TAGC। पहले तो ए को आप टी को रिप्लेस कर दो यू से, क्योंकि आरएनए बन रहा है, यू कर दो, तो ATCG। बहुत ध्यान से देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये है हमारा डीएनए का स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड पे ATCG इधर है, तो दूसरे पे क्या है? TAGC। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इस पे भी बना लीजिए आरएनए, इस पे भी बना लीजिए आरएनए। तो देखिए, अगर इस पे पहले वाले पे हम आरएनए बनाते हैं, उस पे क्या सीक्वेंस होगी? उस पे सीक्वेंस होगी UAGC। और इस पे अगर आरएनए बनेगा, इस पे क्या सीक्वेंस होगी आरएनए पे? इस पे सीक्वेंस होगी AUCG। देखिए, दोनों आरएनए अलग अलग हैं। अगर दोनों पे लगे हाथ, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, दोनों आरएनए अलग अलग। ये अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड, ये अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड, इसलिए दोनों पे अनुलेखन नहीं होता। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं, तब प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो एसिड का अनुक्रम भिन्न होगा। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बने, ये मैसेंजर आरएनए का अगर ट्रांसलेशन होगा, तो दोनों प्रोटीन अलग अलग बनेगी। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों को अनुलेखन करता है, तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। तो यदि डीएनए का ये स्ट्रैंड, ये टुकड़ा ये अलग प्रोटीन के लिए, ये अलग प्रोटीन के लिए, यदि डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीन का कूटलेखन करता है, तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। तो आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र जटिलता पैदा करेगा। तो इसलिए एक स्ट्रैंड पे केवल ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो पहला कारण तो ये कि अलग अलग प्रोटीन के लिए बन जाएंगे। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणु जो एक दूसरे के पूरक हैं, अगर ये दोनों पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये दो आरएनए अणु बनेंगे जो एक दूसरे के पूरक होंगे। एक दूसरे के पूरक होंगे तो फटाक से दोनों जुड़ के डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो दूसरी बात यह है कि अगर इस पे दोनों पे साथ के साथ ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो दो आरएनए अणुओं का निर्माण हो जाएगा, वो जो एक दूसरे के पूरक होंगे, पूरक हैं, इसके निर्माण से द्विरुज्जुक आरएनए का निर्माण हो जाएगा। तो ये दोनों जल्दी से कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयरिंग करके जुड़ जाएंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। आरएनए के ट्रांसलेशन के लिए सिंगल स्ट्रैंड होना जरूरी है, डबल स्ट्रैंड में तो उसका ट्रांसलेशन कूट लेखन हो ही नहीं पाएगा, तो प्रोटीन बन नहीं पाएगी। तो ये कारण है कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक स्ट्रैंड पे होगा, वो भी उसके कुछ भाग पे होगा, दोनों पे नहीं होगा। दोनों पे क्यों नहीं होगा, दो कारण मैं आपको बताएं। एक तो दोनों पे होगा तो दो मैसेंजर आरएनए अलग अलग बनेंगे और उन दोनों के कूट लेखन से अलग अलग प्रोटीन बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोनों एट अ टाइम साथ साथ बने तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे और ये दोनों मिल के क्या बना देंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना देंगे, जिससे कि इसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। इसलिए ट्रांसलेशन केवल डीएनए के एक स्ट्रैंड पे और उसके भी कुछ भाग पे होता है। ठीक, आगे चलिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे आइए, ट्रांसक्रिप्शन इकाई पे आइए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसकी बनी है, डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः तीन भाग है, उन्नायक, संरचनात्मक जीन, समापक। प्रमोटर, जहाँ से उन्नति होगी, शुरुआत होगी, उन्नायक, संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। टर्मिनेटर, जहाँ पे आके प्रोसेस खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समापक। उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक, तीन इसके मेन भाग हैं। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। तो अनुलेखन इकाई का स्ट्रक्चरल जीन, अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तीन भाग हैं उसके, उन्नायक, स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन और हमारा समापक, तीन भाग है। तो अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए द्विरज्जु का ही भाग है, संरचनात्मक जीन डीएनए डबल हेलिक्स का ही भाग है, क्योंकि रज्जुक विपरीत ध्रुव वाले होते हैं। अब ये जो रज्जुक है डीएनए के, ये विपरीत पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं, फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड, तो इधर थर्ड प्राइम एंड इधर फिफ्थ प्राइम एंड अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत ध्रुव वाले, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बहुलेखन केवल एक दिशा से उत्प्रेरित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज केवल एक डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ जो मेन एंजाइम है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होना डीएनए पे आरएनए बनना, यहाँ मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और वहाँ था रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जब हमारा प्रतिकृतियन हुआ था तब वहाँ पे मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें भी बहुलकन, तो पॉलीमराइजेशन होना है, बहुलकन, बहुलक बनने की प्रक्रिया, बहुलकन केवल एकल दिशा में, एक ही दिशा में होगी, फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड, क्यों, वही कारण है कि थर्ड प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री मिलता है। तो ये हमारा बहुलकन जो हो रहा है, इसमें भी जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वो किधर जुड़ेंगे, वो थर्ड प्राइम एंड OH ग्रुप से ही जुड़ेंगे। तो बहुलकन किस दिशा में होगा, फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड की तरफ उत्प्रेरित होगा। रज्जुक जिनमें ध्रुव थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड की ओर है, वह टेम्पलेट के रूप में काम करेगा। तो वो वाला रज्जुक डीएनए का जिसकी कि ध्रुवणता थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड है, यही टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे लग जाएगा आपका क्या जी, प्राइमर। तो फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड ये बढ़ता चला जाएगा थर्ड प्राइम एंड की तरफ। तो कह रहा है रज्जुक जिसमें ध्रुव थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड की तरफ है, वह टेम्पलेट की तरह काम करेगा, सांचे की तरह, इसीलिए इसको टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं और इसको टेम्पलेट रज्जुक कहेंगे। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुव फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड है, वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है, और ये दिखने में कैसा होगा, इस पे जो सीक्वेंस होगी वो हमारे ट्रांसक्रिप्ट आरएनए जैसी होगी, बस फर्क यह है जहाँ जहाँ थाइमिन है वहाँ वहाँ यूरेसिल होगा आरएनए में। अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है, ये वाला जो दिखने में अनुलेखन, जिसके कि कोड अनुलेखन जैसे हैं, ये इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा इससे स्थानांतरित हो जाएगा। यह रज्जुक कूट लेखन रज्जुक कहलाता है, यह रज्जुक कूट लेखन रज्जुक कहलाता है, कूट लेखन कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जो किसी भी चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रहा,
जो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, स्थापित हो गया, यह रज्जु जो किसी भी चीज के लिए कूट लेखन नहीं करता है, ये कोडिंग नहीं दे रहा किसी भी चीज के लिए, लेकिन ये कोडिंग स्ट्रैंड कहला रहा है, कूट लेखन कहला रहा। क्यों कहला रहा? क्योंकि आरएनए जब इस पे बन जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो आरएनए पे वही बेस सीक्वेंस होगी जो इधर कूट लेखन स्ट्रैंड पे, कोडिंग स्ट्रैंड पे, इस पे जो कोड आ गए वो इससे मिल रहे हैं। केवल फर्क ये है कि जहाँ जहाँ थाइमिन वहाँ वहाँ यूरेसिन, बाकी पूरा एज इट इज इसके जैसा ही कोड, इसके जैसी ही बेस सीक्वेंस यहाँ पे आरएनए पे होगी। तो जो किसी भी चीज़ के लिए कूट लेखन नहीं करता उसको हम लोग कूट लेखन रज्जु कहते हैं। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं कूट लेखन रज्जु से बने होते हैं, और जितने भी ये रेफरेंस पॉइंट हैं, जितने भी ये बिंदु जो डिस्कशन के बिंदु हैं, जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं, ये कूट लेखन रज्जु से बने होते हैं। उन सब का जो जुड़ाव है वो कूट लेखन बिंदु से है। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए, उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पनित अनुक्रमों को नीचे दिखाया गया। अब वो जो बिंदु, जो भी पॉइंट डिस्कस हुए उसको समझाने के लिए एक हम लोग हाइपोथेटिकल परिकल्पित डीएनए स्ट्रैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इन्होंने दिया, थर्ड प्राइम एंड से ए टी जी सी सी टी जी सी सी टी जी सी सी टी जी सी फिफ्थ प्राइम एंड पे, और फिर देखिए इसको लिख लीजिए आप ए टी जी सी टी जी सी ए टी जी सी ए, इतना ही लिखो थर्ड प्राइम एंड से फिफ्थ प्राइम एंड, और इधर आप लिखिए फिफ्थ प्राइम एंड से टी ए सी जी टी ए सी जी जी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी फिर से टी ए सी जी टी ए सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी हाँ ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी चला रहा, मैंने ही यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, ए टी जी सी 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 ए टी जी सी। देखिए ये जो इसने सैंपल उठाया है थर्ड से ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी फिफ्थ प्राइमेट, अब इसके अपोजिट इधर टी ए जी सी फिर टी ए जी सी फिर टी ए जी सी, ठीक है ना, फिर टी ए जी सी फिफ्थ प्राइमेट से थर्ड प्राइमेट, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड, ये आपका कोडिंग स्टैंड ऐसा दिखा रहा। चलिए आगे चले, उपरोक्त डीएनए में अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को क्या आप लिख सकते हैं? उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अगर उपरोक्त डीएनए में बन गया हमारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो उनको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा उसके आ जाएंगे, बिल्कुल सेम बेस सीक्वेंस बन जाएगी, बस होगा क्या, जहाँ जहाँ थाइमिन है वहाँ वहाँ आप यूरेसिल लिख दीजिए, बाकी वैसा ही लिख दीजिए। उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन क्या बना रहे हैं? अनुलेखन इकाई बना रहे हैं। संरचनात्मक जीन के फिफ्थ प्राइम एंड किनारे पर उन्नायक होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, संरचनात्मक जीन के फिफ्थ प्राइम एंड के किनारे पर उन्नायक उपस्थित होता है। तो ये अगर बना हुआ है हमारा, आप कहिए कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड, हमने बोला जी ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, संरचनात्मक जीन, ये संरचनात्मक जीन है कि फिफ्थ प्राइम एंड पर, इसके फिफ्थ प्राइम एंड पर, ये फिफ्थ प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, ये फिफ्थ प्राइम एंड, संरचनात्मक जीन के स्ट्रक्चरल जीन के फिफ्थ प्राइम एंड पर उन्नायक होता है, प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर है, ठीक है जी। अगर ये प्रमोटर है तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा, इसका संबंध कूट लेखन रज्जु के ध्रुवत के संबंध में है, तो फिफ्थ प्राइम एंड के किनारे पर उन्नायक उपस्थित होता है। यह डीएनए अनुक्रम है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्माण करता है।
तो ये जो हम लोग का कोडिंग स्ट्रैंड और लीड, हम लोग का कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसमें एक दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से सब बातें बताई जाती हैं। कोडिंग स्ट्रैंड के फिर प्राइम एंड पे होता है प्रमोटर उन्नायक। अगर हम बोल रहे हैं ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये फिफ्थ प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, ये फिफ्थ, अगर ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है तो ये प्रमोटर है, ये उन्नायक है और इधर हो जाएगा समायक। और अगर हम बोल रहे हैं ये कोडिंग स्ट्रैंड है ये, तो ये हो जाएगा आपका प्रमोटर और ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटर उन्नायक और ये हो जाएगा समापक। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। तो उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को क्या आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। तो किनारे पर स्थित उन्नायक व समायक तथा संरचनात्मक जीन स्टेटमेंट ये होना चाहिए था। ये लोग किनारे पे हैं और संरचनात्मक जीन बीच में। तो किनारे पर स्थित उन्नायक व समापक तथा संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। संरचनात्मक जीन के फिफ्थ प्राइम एंड पर, संरचनात्मक जीन के फिफ्थ प्राइम एंड पर, संरचनात्मक जीन हमारा कौन सा स्ट्रक्चरल जीन, उसके फिफ्थ प्राइम एंड पर उन्नायक होता है। ठीक है, यह डीएनए अनुक्रम है, यह डीएनए अनुक्रम है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तो डीएनए अनुक्रम में, डीएनए अनुक्रम में डीएनए अनुक्रम मतलब डीएनए सीक्वेंस, यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट तथा कूटलेखन रज्जु का निर्माण करता। भैया कह रहा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की जिस सीक्वेंस से जुड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे उन्नायक। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर वो डीएनए की सीक्वेंस है, प्रमोटर। उन्नायक, उन्नायक क्या है? डीएनए की अनुक्रम है, डीएनए की सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस है। तो ये उन्नायक है, अगर उन्नायक से क्या जुड़ेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमोटर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे प्रमोटर डीएनए का वो टुकड़ा है जहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन की शुरुआत करता। तो उन्नायक, उन्नायक कहाँ पे है? कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ प्राइम एंड पे, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ प्राइम एंड पे उन्नायक है, यहाँ पे जुड़ा क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और इसने शुरुआत कर दी किसकी? अनुलेखन। और स्लाइड करता इधर चलेगा और फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड की तरफ जोड़ता चलेगा। अब ये देखिए, इस वाले स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है जिसकी पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है। पहले यहाँ पे लगेगा क्या? प्राइमर। तो ये फिफ्थ प्राइम एंड, थर्ड प्राइम एंड, और थर्ड प्राइम एंड से उसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आखिरी में आके प्रोसेस कहाँ रुकेगा? जब वो समापक पे आ जाएगा। क्लियर? यह डीएनए अनुक्रम है, डीएनए की सीक्वेंस है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और इससे जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जु का निर्माण करता है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जु का निर्माण करता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ के क्या बना देगा? उन्नायक टेम्पलेट बना देगा। उन्नायक टेम्पलेट मतलब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देगा, उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जु और ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। समापक कूटलेखन रज्जु के, समापक कूटलेखन रज्जु के थर्ड प्राइम एंड पे होता है समापक। ये समापक टर्मिनेटर कूटलेखन रज्जु के, ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड है इसके थर्ड प्राइम एंड पे होता है। इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है और यहाँ पे आके अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रति प्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होते हैं। इसके अलावा उन्नायक के, प्रमोटर के अपहिल, प्रति प्रवाह अपहिल और डाउनहिल,
अपहिल और डाउनहिल, प्रतिप्रवाह, उन्नायक के ऊपर और नीचे, और नायक के इधर ऊपर और नीचे, नियामक, रेगुलेटर, अनुक्रम, रेगुलेटर सीक्वेंस है। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में पढ़ेंगे तब जानकारी दी जाएगी। तो ये जो रेगुलेटर सीक्वेंसेस हैं जो रेगुलेट कर रही हैं ट्रांसक्रिप्शन को, इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको हम लोग आगे पढ़ेंगे तब देंगे। तो आपने अभी तक क्या समझा? अभी तक ये समझा है भाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन भाग हैं, उन्नायक, समापक और स्ट्रक्चरल जीन। उन्नायक कोडिंग स्ट्रैंड का वो भाग है, वो डीएनए सीक्वेंस है जिससे आके जुड़ेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और ये पॉलीमराइजेशन की ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन कूट लेखन जाके रुकेगा कहाँ? अनुलेखन। अनुलेखन जाके रुकेगा समापक पे। समापक पे पहुँच के अनुलेखन रुक जाएगा। पूछा ये जाता है आपसे कि प्रमोटर किधर सिचुएटेड है, उन्नायक किधर सिचुएटेड है, तो आपका जवाब होगा उन्नायक कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ प्राइम एंड पे सिचुएटेड होगा। उन्नायक कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ प्राइम एंड पे सिचुएटेड होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, बस आपका काम चलेगा। तो आगे इसके बारे में रेगुलेटरी जीन्स के, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि रेगुलेटरी सीक्वेंस ये जो रेगुलेशन कर रही हैं नियंत्रक सीक्वेंसेस, नियामक अनुक्रम कहाँ पर हैं? ये उन्नायक के प्रतिप्रवाह व अनुप्रवाह, प्रतिप्रवाह अपहिल व डाउनहिल व अनुप्रवाह पे ये है। ठीक है, चलिए आगे। अनुलेखन इकाई व जीन पे आइए। अनुलेखन इकाई व जीन, जीन वंशा गति की क्रियात्मक इकाई है। वंशा गति की फंक्शनल इकाई यूनिट क्या है? जीन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं, इसमें तो हमें कोई संदेह ही नहीं है कि जीन जो है डीएनए पर स्थित है। जीन को डीएनए अनुक्रमों के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। अब जीन को हम उसको परिभाषित कर दें, उसकी कोई परिभाषा बना दें, ये आसान नहीं है। टीआरएनए तथा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं, उसमें भी जीन परिभाषित होता। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल भी डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए काम करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होता है। तो अगर हम जीन को परिभाषित करना चाहें कि डीएनए का वो टुकड़ा जिस पे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, या डीएनए का वो टुकड़ा जिस पे किसी चीज़ की जानकारी है, अगर हम जीन को परिभाषित करना चाहें तो उस परिभाषा में इनका बनना भी आ जाएगा, डीएनए और आरएनए का बन, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए का बनना। तो टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रमण अंतरण के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होता है। ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए का बनना ये भी एक तरह से जीन परिभाषित करने के काम आ सकता है, डीएनए अनुक्रमण अंतरण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है जी। तो राइबोसोम सभी तीन आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। ये तीनों ही जो आरएनए हैं, दूत आरएनए, अंतरण आरएनए तथा हमारा राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए तथा आरआरएनए, सभी तीनों आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट बनाता है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लाने का काम करता है, वो आरआरएनए स्थानांतरण के लिए संरचनात्मक व उत्प्रेरक भूमिका निभाता है, जबकि आरआरएनए स्थानांतरण के लिए, स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, बैक्टीरिया में केवल एक टाइप का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है, और ये अकेला आरएनए इन तीनों तरह के आरएनए को बनाने में, ये जो एंजाइम है, एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का, ये तीनों तरह के आरएनए बनाने में कूट लेखन में ट्रांसक्रिप्शन को उत्प्रेरित करता। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़ के अनुलेखन की शुरुआत करता। तो शुरुआत कैसे होगी? जब वो प्रमोटर साइट से अटैच हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो जाएगी। यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलित होता चला जाता। तो ये कर क्या रहा? ट्राइफॉस्फेट को
ये जो हमारा राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है उनको सब स्ट्रेट के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए कि ए के अपोजिट यू, टी के अपोजिट जी, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। ठीक है, टेम्पलेट के साथ इसका बहुलकन हो गया। यह कुंडली को आगे खुलने व उसके दीर्घीकरण में सहायता करता, तब यह टैम हेलिक्स को खोलेगा और आगे उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता और केवल बहुत छोटा सा लेंथ आरएनए की एंजाइम से जुड़ेगी। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक सिरे पर पहुंच जाता और ये आरएनए आगे चलता हुआ जब समापक सिरे पर पहुंच जाता तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पहुँच के पॉलीमरेज एंजाइम अलग और आरएनए जो नई निर्मित धागा है वो अलग, इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता और अनुलेखन आखिरी में आके समाप्त हो जाता। यहाँ एक जिज्ञासापूर्ण बात ये है, अब हम लोग के लिए मन में जिज्ञासा ये आई, यहाँ एक जिज्ञासापूर्ण बात ये है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से तीनों चरणों को, कि तीन स्टेप है प्रारंभन, इनिशिएशन, इलोंगेशन व टर्मिनेशन, ये तीनों स्टेप एक ही एंजाइम कैसे कर लेता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक ही एंजाइम है, वो तीनों स्टेप कैसे कर लेता? केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण की क्रिया को उत्प्रेरित करने में सहायक है। आरएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है वो क्या कर सकता है? केवल दीर्घीकरण की प्रक्रिया कर सकता है, बाकी प्रारंभन और समापन वो अकेले दम पे नहीं कर सकता। इसके लिए उसको क्या चाहिए? इसके लिए उसको अस्थायी रूप से किसी का सहयोग चाहिए। ये अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक और समापन कारक से जुड़ता है। तो प्रारंभन करने के लिए, इनिशिएशन के लिए यह इनिशिएशन फैक्टर से जुड़ेगा और टर्मिनेशन करने के लिए टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ेगा। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशेषता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत जो हो रही है ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज के साथ जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? जुड़ेगा इनिशिएशन फैक्टर और उसकी कुछ चेंजेस कर देगा। उस चेंजेस की वजह से इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन वो अपने दम पे कर लेगा, आखिरी में आके टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में उसके साथ समापन फैक्टर, समापन कारक जुड़ेगा। तो प्रारंभ करने के लिए प्रारंभन कारक और समाप्त करने के लिए समापन कारक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से अटैच होता है, ये है मतलब इसका। तो हम लोग का जो समापन कारक है, रो, और इनिशिएशन कारक है, सिग्मा। तो सिग्मा फैक्टर उससे जुड़ता है, सिग्मा कारक जुड़ा और उसने शुरुआत करवा दी, इनिशिएशन करवा दिया, इलोंगेशन उसने अपने दम पे अलग कर लिया और टर्मिनेशन के समय उससे रो फैक्टर जुड़ा और ये प्रोसेस का समापन हो गया, टर्मिनेशन हो गया जब वो समापक पे पहुंच गया। जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। तो जीवाणु में एक्टिव मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए। वह अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष में होता है, लेकिन साथ के साथ एक बात और है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह पे हो रहा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का भेदभाव नहीं है। इसीलिए कई बार स्थानांतरण दूध आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभ हो जाता, और इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन इससे पहले कि मैसेंजर आरएनए पूर्ण रूप से बने, मैसेंजर आरएनए भी पूरा बना भी नहीं लेकिन ट्रांसलेशन चालू हो जाता, फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में इस साथ साथ संपन्न हो जाता है। और अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम हो जाता। सुकेंद्री में दो अतिरिक्त जटिलताएँ, ये सारा प्रोसेस सुकेंद्री में भी होगा यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन दो वहाँ पे अतिरिक्त जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी हैं। पहली बात, केंद्रक में कम से कम तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, वहाँ पे एक ही था, यहाँ पे तीन तरह के, इनसे कार्यों का स्पष्ट विभाजन है, तीनों में कार्य बटे हुए हैं। आरएनए पॉलीमरेज वन ग्लोबो राइबोसोमल आरआरएनए के लिए अनुलेखित करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज वन, 1, 2, 3 मिलेंगे, तो आरएनए पॉलीमरेज वन किसके लिए कोड कर रहा है, किसके लिए ट्रांसक्रिप्शन करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा आरआरएनए के लिए, और आरआरएनए की 28S, 18S, 5.8S ये इसकी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं। तो आरआरएनए जिसमें आपको मिल रहा 28S, 18S एंड
5.8s, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए, एमएसआर आरएनए व एसएन आरएनए के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। ये तो हो गया आपका, ये वाला जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका हो गया। कहिए कि भाई आरआरएनए बन गए हैं, आरआरएनए 28s, 18s एंड 5.8s, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरआरएनए 28s, 18s, 5.8s का कर रहा, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए, एसएनआरएनए, एसआरआरएनए, एसआरआरएनए 5SRRNA व SNRNA के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। तो पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3 किन किन के लिए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसफर RNA, 5SRNA तथा SNRNA। RNA पॉलीमरेज 2 मैसेंजर RNA के पूर्ववर्ती व विषगामी केंद्रीय RNA का अनुलेखन करता है, और ये जो हमारा RNA 2 है ये आपके हीट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA के लिए अनुलेखन करते हैं। तो ये तीनों को रट लिया। हाँ भाई, तो तीन तरह के मिल रहे हैं आपको RNA पॉलीमरेज, ठीक है। यही याद रखना आपने, कौन सा किसके लिए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा, यही पूछा जाता है आपसे। तो RNA पॉलीमरेज 1 जो है ये आपका RRNA के लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो इसमें 28s, 18s और 5.8s के लिए पॉलीमराइजेशन करता। उसके बाद आपका जिक्र आया आरएनए पॉलीमरेज 2, ये मैसेंजर आरएनए के पूर्ववर्ती, मैसेंजर आरएनए के लिए हीट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए उसका पूर्ववर्ती, तो पॉलीमरेज 2 दूत आरएनए के पूर्ववर्ती विषामांगी केंद्रीय आरएनए, हीट्रोजिनस विषामांगी हीट्रोजिनस न्यूक्लियर केंद्रीय, विषमांगी केंद्रीय हीट्रोजिनस न्यूक्लियर विषमांगी केंद्रीय एचएनआरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन ये करता है 2। और 3 किसके लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए के लिए। यही बातें आपसे पूछी जाती हैं, और कोई नहीं पूछा जाता। तो टीआरएनए उसके साथ के साथ 5SRNA 5SRRNA ट्रांसफर आरएनए, उसके अलावा 5SRRNA और इसके अलावा SNRNA के लिए। तो ट्रांसफर RNA 5S, जैसे यहाँ पे 20S, 18S, 5.8S, तो यहाँ पे 5SRRNA एंड 5SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA के लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये बातें आपसे इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, इसको एक जगह लिखिए और इसको रट्टा मारिए। ओके, चलिए आगे चलें। तो ये हमें तीन तरह के इसमें आपको मिल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज, जबकि वहाँ पे एक ही तरह का मिला था। इन तीनों के काम बटे हुए हैं, क्या काम बटे हुए हैं वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरी जटिलता ये है, दो केवल कॉम्प्लेक्सिटी, दो बातें अलग हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अलग है। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तीन तरह के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए के लिए कर रहा 28, 18 और 5.8s, सेकंड कर रहा हीट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए के लिए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 कर रहा हीट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए के लिए, और थर्ड कर रहा ट्रांसफर आरएनए के लिए, उसके अलावा 5SRNA के लिए और SNRNA के लिए। दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तेत तथा अव्यक्तेत दोनों मिलते हैं। दूसरी जटिलता यह है, जो प्राइमरी स्क्रिप्ट बनी हमारी, जो प्राइमरी अनुलेखन हुआ उसमें व्यक्तेत और अव्यक्तेत एक्सॉन इंट्रॉन दोनों ही मिलना है। व्यक्तेत वो हैं जो व्यक्त करेंगे, अव्यक्तेत वो हैं जिन नॉन कोडिंग व्यक्त नहीं करते एक्सॉन इंट्रॉन, क्योंकि यह प्रक्रम से गुजरता है जिसे संबंधन कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं, संबंधन कहते हैं, जिसमें अव्यक्तेत अलग कर दिए जाते हैं, वह व्यक्तेत एक निश्चित क्रम में आपस में जोड़ दिए जाते हैं।
तो अब इसको एक प्रक्रम से गुजरता है जिसको स्प्लाइजिंग कह रहे हैं। स्प्लाइजिंग में कांट छांट तो अव्यक्तेत हटा दिए गए। उसके बाद जब अव्यक्तेत हटा दोगे तो ये जो टुकड़े टुकड़े बच्चे व्यक्तेत के आपस में जोड़ दिए जाएंगे। एच एन आर एन ए दो अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुच्छन से होकर गुजरता। ये हमारा हिट्रोजिनस न्यूक्लियर आर एन ए था। अब ये दो अलग और इनमें प्रक्रियाएं होंगी, कैपिंग और टेलिंग। आच्छादन कैप लगा दी जाएगी और टेल लगा दी जाएगी। आच्छादन व कैपिंग प्रक्रिया होती है। आच्छादन में एक साधारण न्यूक्लियोटाइड, कैपिंग में एक असाधारण न्यूक्लियोराइड, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एच एन आर एन ए के फिफ्थ प्राइम एंड पर जुड़ता है। तो फिफ्थ प्राइम एंड पर एक हम लोग का असाधारण एक हम लोग का जोड़ दिया गया न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया गया। उच्छन में एडिनिन समूह 200 से 300 उच्छन में एडिनिन समूह 200 से 300 स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के किनारे जोड़ दिए जाते हैं। पूर्ण संसाधित आरएनए, ये जो हमारा पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्ट आरएनए हो गया, पूरी फुल्ली तरह से प्रोसेस हो गया, संसाधित हो गया आरएनए को, अब दूत आरएनए, अब हम इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। ये अभी तक कहाँ था? ये अभी तक था आपका कहिए कि न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में सब काम हो रहा है, अब ये स्थानांतरण हेतु केंद्रक से स्थानांतरित हो जाता है। इसके बाद इसका ट्रांसलेशन होना है, तो ये केंद्रक से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को समझने की आवश्यकता है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्ण रूप को व्यक्त करता। तो ये जीन में इंटरप्टेड जीन जो है, बीच बीच में एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, ये क्या बता रहा है कि कभी जीन के पूर्ण रूप में सब चीज़ें एक्टिव रही होंगी, इनका भी काम होगा व्यक्त करना। अव्यक्तेत की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता, ये जो बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये इस बात को एहसास दिलाती कि पुराने समय में इन लोगों में व्यक्त करने की क्षमता रही होगी। और संबंधन प्रक्रिया में आरएनए संसार की प्रमुखता को व्यक्त करता। साथ के साथ ये जो हम लोग का स्प्लाइजिंग हो रही है, स्प्लाइजिंग प्रक्रिया में आरएनए का स्प्लाइजोसोम आरएनए का बना होता है, तो आरएनए वर्ल्ड की भी याद दिलाता, आरएनए वर्ल्ड कि भाई एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर आरएनए का ही बोलबाला था। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। और आज की तारीख में हम लोग जानना चाहते हैं कि लिविंग सिस्टम में आरएनए से संबंधित प्रक्रम और कौन कौन से हैं, उनकी क्या जटिलताएं हैं, उनका जीवन को सुचारू रूप में चलाने में क्या योगदान है। ठीक है, इस वाले से आपके जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन से, वो आपके इस वाले सेक्शन से आते हैं, कैपिंग टेलिंग से आते हैं। कैपिंग टेलिंग यहाँ दिखाई गई है, ये स्प्लाइजिंग दिखाई गई है, कैप लगा दी गई फिफ्थ प्राइम एंड पे, टेल लगा दी गई थर्ड प्राइम एंड पे, ये कैपिंग टेलिंग पूछी जाती है। तीनों तरह के आरएनए पॉलीमरेज का काम पूछा जाता है। पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक जीन किस में मिल रहा है, ये सब पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के भाग क्या हैं, तो हमारा उन्नायन, समापक और स्ट्रक्चरल जीन, वो पूछा जाता है आपसे। स्ट्रक्चर ये हम लोग की कोडिंग सीक्वेंस, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, हम लोग के प्रमोटर कहाँ है, कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ प्राइम एंड पे है, ये पूछा जाता है। दोनों का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता एट ए टाइम रज्जु का, क्योंकि दोनों रज्जु का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, दो अलग अलग हमारे बन जाएंगे मैसेंजर आरएनए, और उनसे ट्रांसलेशन से अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, इसलिए दोनों का एट ए टाइम नहीं होता। और अगर दोनों का हो जाएगा तो वो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, तो भी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। ये सारे कारण हैं कि एट अ टाइम दोनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आके अब अनुलेखन आपका कंप्लीट हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए, और अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ जेनेटिक कोड के साथ, आनुवंशिक कोड के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन वाला सेक्शन आपका ख़त्म। और जो बच्चे ये हिंदी के हैं, हिंदी का पूरा है, वो एक बार मेरा इंग्लिश वाला भी देख लें, ये वाला लेक्चर, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि तो इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जो बोले तो है मैंने और समझाने की कोशिश भी करी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ये ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन वगैरह अगर इंग्लिश से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसान आपके लिए होगा। चलिए, अभी काफ़ी लंबा चैप्टर है, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। आधा लगभग चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है अपने आज तीसरे दिन में, तो और तीन दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आनुवंशिक कोड को हम लोग कल या अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।
मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक गुड बाय। अगर आपको ये पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और मेरे सुमो बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है जी, नमस्कार, मिलते हैं, बाय।